भाई रामायण में एक प्रसंग था जब सरयू नदी पार करनी थी तो भाई केवट ने जो उतारा था, पर केवट की एक शर्त थी कि भगवान जब उतारूंगा सरयू के पार उससे पहले मैं आपके पग निछार करूंगा, पग धोऊंगा। जब पग धोन लग गया केवट भायो तो जो थाली ले रखी थी ना जिन्हें कठोती बोले वह छोटी थी, एक का पहराव था भगवान का, क्या होता एक ही पहराव था। तो पैर धोवे उसने ठा के दूसरी साइड धरे तो भाई यू करते करते फिर वो गंदा हो जा। सात बार पैर धो लिए केवट ने, तब भगवान कहने लगे कि तो बार बार गंदे होते रहेंगे भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है कि भगवान ही कहना नहीं होंगे, मतलब वो कैसे आगे कह रही हो एक पैर जो धोया और नहीं मेरे हाथ पे धरो। वो हाथ पे धर लिया, दूसरा उसमें भगवान खड़े होने लगे, पर कहता भाई नू तो मैं भी पड़ जाऊंगा, अरे मैं भी गिरूंगा, अरे दोनों पैर तू एक हाथ में ले रहा है, भगवान मैं हूं ना, देखे दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दो, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो, गिरोगे नहीं। बोले वो कैसे, अगे जब माँ बच्चे नवावे ना, जब बच्चा भी नहीं भाज जाए तेन कहा मेरे सिर पर हाथ धर ले, कि जब मेरे सिर पर हाथ रख लोगे तो आप गिरोगे नहीं। तो भगवान कहने लगे तो केवट भाई आज मेरा भी एक भरम टूट गया, मेरा भी एक अभिमान था वो आज टूट गया। कहने लगा भगवान वो कैसे, कि मेरा आज तक ये अभिमान था कि मैं हर आदमी ने पार तारूं, मैं गिरने से बचाऊं, आज पहली बार तने मेरे को गिरने से बचाया है, भगवान को गिरने से तने पहली बार मेरे को बचाया। तो मेरा कहने का मतलब है भाईड़ो के भाइयो, जब थे मान सम्मान करोगे तो वो भी मान सम्मान करेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।